हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं रोहित चंदा व्लॉग्स। तो फाइनली हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। तो हमने एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया है, जैसे कि आप रूम देख सकते हैं, ये रूम हमें 700 में पड़ा है। तो हम निकल चुके हैं अपने रूम से और अभी टाइम हो रहा है 5:30। और अभी जो सबसे पहले हमें देखने को मिला वो है गुदौलिया चौक। तो गुदौलिया चौक ही वो चौक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और इस चौक से ही आप दशाश्वमेध घाट, 80 घाट और विश्वनाथ टेम्पल के लिए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकले दशाश्वमेध घाट के लिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और अंदर देखो आप घाट की साइड आरती देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो पता नहीं, बट चल रहे हैं अभी। तो यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही है, पिंक और रेड मैरून कलर की कॉम्बिनेशन से पेंट करा हुआ है, पूरा डिज़ाइन है यहाँ पे। तो हम लोग गुदौलिया मार्केट से होते हुए पहुँचे दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे अभी चलते हैं और आरती उस साइड होगी कहीं पे, तो वहाँ चल के देखते हैं आरती के लिए कितनी भीड़ इकट्ठा हो रखी है वो आज देख रहा हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बोट पे पहले से ही लोग बैठ गए हैं। तो हमें दशाश्वमेध घाट पर 1 घंटा हो चुका था, और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। आप लोग आगे बढ़िए, सीढ़ियों पे खड़े ना होइए। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। Thank you.
आपने आरती के दर्शन अच्छे से करे होंगे जैसे मैंने करे। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको आरती दिखाई जाए सही से, और अभी आरती ख़त्म हो चुकी है और बोट आप देख तो पूरी खाली हो चुकी है, और जो पूरी भरी हुई थी तो हरिश्चंद से मणिकर्णिका घाट तक का जो सफ़र है वो 50 रुपये में कर रहे हैं। किसी को बताना मत भाई, उन्होंने मना करा है बताने को, क्योंकि आरती ख़त्म हो चुकी है। आरती और थी वहाँ पे तो वो ख़त्म हो चुकी है, तो इनका कॉस्ट जो है 200 रुपये से 50 रुपये आ गया पर हेड। तो बोट हमारी स्टार्ट हो चुकी और साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, बोट यहाँ पे जनरेटर स्टार्ट है बोट को चलाने के लिए। तो आपको व्यू दिखाता हूँ बोट से, क्या बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से। तो ये व्यू है रात का, और अभी हम जा रहे हैं हरिश्चंद घाट। ये बोट जाएगा हरिश्चंद घाट पहले, तो आप देख। तो ये है दिक्पतिया घाट, तो ये पांडे घाट आ गया, और यहाँ पे जो लाइट आपको दिख रही है ये है राजा घाट। ये वाला है हरिश्चंद घाट। तो हमने टोटल 83 घाटों के दर्शन किए और फिर पहुँचे हम लोग मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर पहुँचकर मुझे अलग ही वाइब्स आई। मुझे एक लाइन याद आई जो मैं आपको सुनाता हूँ। जिसने भी छुआ वो स्वर्ग हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मणिकर्णिका घाट ये बनारस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। हजारों हजारों सालों से इस जगह पे क्रिमिनेशन होता आ रहा है। काफी सारी होली बुक्स में भी इस जगह का जिक्र है। इस जगह आके काफी लोग इमोशनल हो जाते हैं, पर क्या करें, ये जिंदगी की सच्चाई है। तो गाइस बोटिंग वगैरह हमने कर ली, अब चल रहे हैं कुछ खाते पीते हैं। गंगा आरती देख लेने के बाद हम पहुंचे दोबारा गोदोलिया चौक, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए जो रास्ता जाता है हम उसी पे हैं अभी। और यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। तो अभी खाने जा रहे हैं रबड़ी, जो यहाँ की काफ़ी फेमस है बनारस की। तो लेते हैं इनसे एक अंकल से रबड़ी, काफ़ी टेस्टी लग रही है वैसे। 50 रुपये की 100 ग्राम है ना अंकल। तो ये आ गई अपनी रबड़ी, टेस्ट करते हैं। तो फूफा को टेस्ट कराते पहले, करो टेस्ट करो। कैसी है? अच्छा है। तो फूफा कह रहे मज़े आ गए, तो टेस्ट करते हैं इसे, देखते हैं कैसी है यहाँ की रबड़ी। रबड़ी साफ कैसा है? मैं भूल गया, बहुत मस्त है, मज़ा आ गया भाई। तो अभी टेस्ट करते हैं बाटी चोखा, जो बनारस का फेमस है ना भैया। तो भैया अभी तल रहे हैं यहाँ पे और बना रहे हैं, और हमारे लिए तैयार कर रहे हैं बाटी चोखा। क्या क्या डाल रहे हो आप? अच्छा ये बाटी है, ये चोखा है। अच्छा चोखा है, ये चटनी है। तो आ चुका है हमारा बाटी चोखा। भैया ने इसमें दिया है बाटी चोखा और हरी चटनी है, प्याज है और मिर्च है। तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है बाटी चोखा। कैसा है? अच्छा है। तो हम भी टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे भैया से कह रहा था, भैया आपने प्राइसलेस चीज़ बना दी, इसके 20 रुपये की बजाय 100 रुपये का बेचना चाहिए। तो आ रखे कुबेर पान भंडार में। क्या क्या चीज़ें अभी है इसमें? गरी है, गुलकंद है, गुलाब पत्ती है, मीठी कप है। ओके, मतलब सारी मीठे मीठी पान में जितनी भी चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ें। 18-19 सामान है। 18-19 सामान है इसमें। तो मज़ा आ गया, पान मेरे मुंह के अंदर है। एक्चुअली शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में पान खा गया, बट काफ़ी टेस्टी है। 40 रुपये में मीठा पान। फूफा ने लिया जर्दे वाला, मतलब गुटखे वाला, तंबाकू वाला पान 10 रुपये में। फूफा का काम हो गया और मेरा 40 रुपये में। काफ़ी टेस्टी पान है, मुंह में मतलब साइड में रखा है, अपने आप घुल रहा है। मेरे को कुछ मतलब चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो मज़ा आ गया। आज का दिन तो मस्त था। अभी चल रहे हैं होटल रूम पे और सोएंगे यार, काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। और यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रात के टाइम भी आप देख सकते हो। कल जाएंगे हम लोग काशीनाथ टेम्पल,